वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बचे हुए कपड़े से कुर्ती बनाना बताऊंगी। ये देखिए, ये मेरा बचा हुआ कपड़ा है, इसकी मैं चोली बनाऊंगी। ये मैं नीचे का घेर बनाऊंगी, ये इसकी उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। मैंने इसको फोर फोल्ड में करके रखा है, टू फोल्ड ये है हमारे, टू फोल्ड ये है क्योंकि आगे पीछे का पार्ट हम एक साथ कटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये फोर फोल्ड किया है। ये हम इसमें से चोली की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे, चोली की लेंथ हमें कितनी रखनी है। ये मैं 18 इंच ले रही हूँ क्योंकि ये जो हमारा कपड़ा है नीचे का कम कपड़ा है, इसलिए मैं इसमें चोली की लेंथ ज़्यादा ले रही हूँ। आप उसी के अकॉर्डिंग, जैसा आपका कपड़ा है उसी के अकॉर्डिंग आप ये लेंथ ले। अगर आपका पास ये वाला कपड़ा कम है, ये ज़्यादा है, तो आप चोली की लेंथ 14 या 13 इंच भी ले सकते हो। अब मैं ये अपनी आर्म होल का निशान लगाऊंगी, ये मैं लूँगी 7 इंच। उसके बाद मैं अपनी कमर का निशान लगाऊंगी, ये मेरा 14 इंच। दोनों निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम अपना तीरा लेंगे, ये मैं बोट नेक बना रही हूँ तो इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तीरा मैं 7 इंच लेती हूँ तो इसमें मैं 8 इंच लूँगी। इधर भी 8 इंच का निशान लगा लेंगे, इसको सीधा कर लेंगे निशान को। यहाँ से हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे जो मेरा 10 इंच, यहाँ से कमर का निशान जो मेरा है 8 इंच, और यहाँ से जहाँ तक हमने चोली की लेंथ ली है वहाँ से हम अपना माप ले लेंगे। जितना हमारा आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम इधर ये निशान लगाएंगे। ये मेरा 9 इंच आ रहा है तो मैं ये 9 इंच लगाऊंगी, ये मेरे माप का चौथा हिस्सा है। इन निशान को सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम 9 इंच अंदर की साइड निशान लगाएंगे, इसको इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। यहाँ से आर्म होल की शेप देंगे, इधर हाफ इंच का निशान लगाएंगे, ये जो निशान है हमारा इससे हाफ इंच आगे की साइड निशान लगाएंगे, और इस निशान को इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। और यहाँ से हमारे जो बैक पार्ट है उसके आर्म होल का ये वाला निशान रहेगा हमारा, ये हमारा फ्रंट वाला रहेगा और ये हमारा बैक वाला रहेगा। ये हम स्लीवलेस कुर्ती बनाएंगे, ये हमारी स्टिचिंग वाले निशान है, बाहर की साइड हम कटिंग वाले निशान लगा लेंगे। ये मैं बोट नेक बनाऊंगी तो हम अपने नेक का निशान लगाएंगे। बोट नेक में ये मैं लूँगी 4.5 इंच, और इधर से हम हाफ इंच शोल्डर को नीचे गिरा देंगे। नेक की लंबाई लूँगी मैं 3 इंच, ये 3 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस तरीके से ये बॉक्स बनाते हुए यहाँ से नेक को गोलाई की शेप देंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से हमारा बोट नेक रहेगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम पीछे का पार्ट अलग कर देंगे और आगे वाले पार्ट की ये छटाई करेंगे हम। ये मैंने चोली की कटिंग कर ली है, अब मैं इसकी लाइनिंग की कटिंग करूँगी। ये मैं इसके नीचे लाइनिंग लगाऊंगी, जैसे हमने ये कट किए हैं इसी तरीके से इसके ऊपर ये रखते हुए हम लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट और बैक घेर के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, इस कपड़े की जो लंबाई है वो है 28 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो फोल्ड होने के बाद 13.5 इंच है, और ओपन होने के बाद ये 27 इंच है। ये हमारे कपड़े के दो पीस हैं, एक फ्रंट के लिए है और एक हमारा बैक के लिए है। ये मैंने इसकी लाइनिंग कट की है, इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम है। ये हमारी चोली की लाइनिंग की भी कटिंग हो गई है। अब हम इन्हें आपस में स्टिच करेंगे, दोनों की सीधी साइड मिलाएंगे, लाइनिंग की भी और मेन फैब्रिक की भी, और हम इस पर ये स्टिच लगाएंगे। नेक पर हम ये स्टिच लगाएंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए, और इसी तरीके से हम आर्म होल पर स्टिच लगाएंगे।
इसी तरीके से हम इस दूसरे पार्ट को रेडी कर लेंगे। ये सिलाई लगा ली है मैंने नेक पे भी और आर्म होल में भी। अब हम इनकी गोलाई में कट्स लगा देंगे। ये मैंने दोनों पार्ट पर आगे और पीछे वाले पार्ट पर नेक और आर्म होल पर कट लगा लिए जहाँ पर हमारी गोलाई थी। अब हम एक पीस को सीधा कर लेंगे, एक पीस को ऐसे ही रखेंगे। ये वाले इस वाले पीस को मैंने सीधा कर लिया है। अब हम इसको इस पर अटैच करेंगे, दोनों के शोल्डर आपस में अटैच करेंगे। ये देखिए, इसको इस तरीके से रख लेंगे। ये इसका सीधा हिस्सा है, दोनों के सीधे हिस्सों को मिलाएंगे इस तरीके से और यहाँ से ये देखिए ऊपर की साइड ले जाएंगे हम। इसके अंदर से डालेंगे शोल्डर को। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ से बराबर रखते हुए हम ये सीधी सिलाई लगा देंगे तो ये हमारे शोल्डर अटैच हो जाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरे वाले शोल्डर को अटैच करेंगे। यहाँ से आपस में दोनों की सिलाई मिलाएंगे और इसी तरीके से इस साइड से तब हम ये सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ से कॉर्नर को भी इस तरीके से कट कर लेंगे और अब हम इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे शोल्डर अटैच हो गए हैं। ये दोनों पीस को सीधा करते हुए मैंने अच्छे से प्रेस लगा लिया है। अब हम इसके नीचे घेर अटैच करेंगे। घेर के लिए ये देखिए, ये जो मैंने कपड़ा लिया है ये मैंने इसकी लाइनिंग ली है, ये मैंने चोली के बीच में निशान लगा लिया। ये दोनों साइड में निशान हमारी सिलाई के जो निशान आएंगे यहाँ से हमारी सिलाई आएगी। ये मैंने घेर के बीच में निशान लगा लिया है इस तरीके से। इन दोनों निशान को मिलाएंगे ये देखिए इस तरीके से और यहाँ पर हम लगभग इन दोनों के सेंटर में दो प्लेट्स डालेंगे। ये देखिए लगभग यहाँ पर हम, ये कपड़ा हमारा कम है इसलिए हम दो प्लेट्स इधर दो प्लेट्स इधर डालेंगे। ये हम बचे हुए कपड़े में से कुर्ती बना रहे हैं तो ये इस तरीके से हम ये कुर्ती बना रहे हैं। नीचे हमारी ये लाइनिंग है, लाइनिंग की भी साथ में ही हम प्लेट्स डाल देंगे। ये देखिए करीब यहाँ हम इतना हाफ इंच कपड़ा रख लेंगे जो हमारा सिलाई में आ जाएगा। इसी तरीके से हम दो प्लेट इधर डाल लेंगे। इस तरीके से ये प्लेट्स डाल लेंगे। अगर आपके पास ये वाला कपड़ा ज़्यादा है तो आप ये ज़्यादा प्लेट्स भी डाल सकते हो। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट पर भी इसी तरीके से प्लेट डालेंगे पीछे वाले हिस्से पर। ये दोनों पार्ट्स में मैंने प्लेट्स डाल लिए हैं, इस वाले में भी इस वाले में भी। अब मैंने ये टू पट्टियाँ ली हैं, इनकी जो चौड़ाई है वो है 4.5 इंच। इनको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और अब मैं आपको ये एक पार्ट इस पर अटैच करके दिखाऊंगी। उसी तरीके से आप दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से अटैच कर सकते हो। ये देखिए ये मैं फ्रंट वाला अटैच करके दिखाऊंगी आप लोगों को। ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, ये जो हमने पट्टी ली है
सबसे पहले हम इस पट्टी को रखेंगे इसके ऊपर, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद हम अपना ये घेर वाला पार्ट लेंगे, इसको ये देखिए दोनों की सीधी साइड मिलाएंगे और यहाँ से बीच सेंटर मिलाते हुए ऐसे रखेंगे और ये सीधी सिलाई लगा देंगे हम। इसी तरीके से हम बैक वाला पार्ट अटैच करेंगे। ये आगे पीछे वाले दोनों घेर मैंने अटैच कर लिए है और ये इनके साथ, ये दोनों के साथ ये पट्टी अटैच की है मैंने। इस पट्टी को हम अब ऊपर की साइड ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ये जो हमारा सिलाई वाला कपड़ा, ये भी हमारा ऊपर की साइड रहेगा और यहाँ हम किनारे किनारे से स्टिच लगा देंगे, एक इधर से और एक हम इस पट्टी के ऊपर से किनारे किनारे से स्टिच लगा लेंगे। ये आगे पीछे वाली पट्टी पर मैंने इस तरीके से ये सिलाई लगा ली है, ऊपर की साइड भी नीचे भी साइड भी, और ये इसी तरीके से बैक वाली साइड। अब मैंने एक ये पट्टी ली है, ये हमारी फोल्ड में है, ये देखिए इस पर मैंने ये निशान लगाया है, ये देखिए ये मैंने स्केल रखते हुए इधर से ये निशान लगा दिया है। ये लगभग हमारा 1.5 इंच चौड़ाई है इसकी और लंबाई है इसकी 20 इंच। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे, ये देखिए इस वाले कॉर्नर से, इस तरीके से, और इधर से भी हम इसी तरीके से ये सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से। ये हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे सिलाई। अब हमारा ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, एक पैर का मार्जिन रखते हुए ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने काट लिया, अब हम इसको बीच में से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए इसको कट कर लेंगे बीच में से। और अब हम इन दोनों को सीधा कर लेंगे। ये दोनों पट्टी मैंने तैयार कर लिया, अब हम इन्हें, ये देखिए ये हमारी कुर्ती का फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड पर ये देखिए ये जो हमारी पट्टी है इस पर अटैच करेंगे हम इन्हें। ये देखिए ये जो हमने प्लेट्स डाल रखी है इससे लगभग 1 इंच आगे की तरफ बढ़ाकर, और इसी तरीके से इस वाली को ऐसे रख लेंगे और यहाँ पर अपने कोई भी मनपसंद बटन लगा लेंगे और यहाँ इन्हें स्टिच कर लेंगे और फिर हम अपनी कुर्ती की फिटिंग वाली स्टिच लगाएंगे। ये वाली पट्टी स्टिच करके और फिटिंग वाली स्टिच लगाकर मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको, कुर्ती का किस तरीके का आएगा। ये मैंने कुर्ती पर फिटिंग वाली स्टिच लगा ली है, ये देखिए मैंने ये पूरा नीचे तक लगा लिया है। लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को मैंने एक साथ ही स्टिच कर लिया है फिटिंग वाली सिलाई में, और नीचे से मैंने इस लाइनिंग को भी फोल्ड कर लिया है और जो ये मेन फैब्रिक है इसको भी फोल्ड करते हुए ये मैंने स्टिच लगा ली है, ये देखिए। और इधर मैंने इसके फ्रंट वाले घेर पर ये ऐसे बटन लगाए हैं। मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ कि इसका लुक किस तरीके का आया है। ये देखिए इन वाली पट्टी पर मैंने यहाँ पर बटन लगा लिए हैं दोनों साइड, इस तरीके से इसका कुछ फाइनल लुक आया है। और ये देखिए फ्रंट में ये मैंने बटन लगा लिए, 4 बटन इधर लगा लिए मैंने और 4 बटन मैंने ये इधर लगा लिए हैं। इस तरह हम अपने बचे हुए फैब्रिक से कुर्ती बना सकते हैं। इस कुर्ती में बनाने के लिए नेक और आर्म होल के लिए हमें एक अलग से कोई पट्टी या बुकरम की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये देखिए हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से इस कुर्ती को रेडी कर दिया है और पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। इस तरह मेरी कुर्ती का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, इस तरह मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।